करंट इलेक्ट्रिसिटी लेक्चर नंबर 4 कंटिन्यूड। कुछ टर्म डिफाइन कर लेते हैं, बहुत जरूरी है, एग्जाम एक नंबर के लिए पूछता है। उसमें से पहला है डिफाइन 1 एम्पियर। सेकंड क्वेश्चन क्या है, डिफाइन 1 वोल्ट। और थर्ड क्वेश्चन है डिफाइन 1 ओम। एक एक नंबर के लिए तीनों सवाल कभी कभी पूछता है हर बार, डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 वोल्ट, डिफाइन 1 ओम। डेफिनेशन लिख लेते हैं बहुत अच्छे से जो एग्जाम में आता है। पहला क्वेश्चन अगर पूछता है डिफाइन 1 एम्पियर, डिफाइन 1 एम्पियर, इसका आंसर क्या लिखेंगे, 1 एम्पियर करेंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करेंट, अमाउंट ऑफ करेंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर, थ्रू अ कंडक्टर व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज और 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू इट इन 1 सेकेंड। यह डिफरेंशियल लिखना है 1 एम्पियर का। 1 एम्पियर करंट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ करंट फ्लोज थ्रू अ कंडक्टर व्हेन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, या तो ये हो सकता है और इतना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन पास करता होगा कंडक्टर के थ्रू 1 सेकेंड के अंदर, दैट इज करंट इज इक्वल टू होता है चार्ज अपॉन टाइम और एनी अपॉन टी। अगर ये हमको 1 एम्पियर चाहिए होगा तो चार्ज कितना होना चाहिए 1 कूलम्ब, टाइम कितना होना चाहिए 1 सेकेंड और ये हो जाएगा 6.25 × 10⁻¹⁸ इलेक्ट्रॉन और 1 सेकेंड। ये दोनों डेफिनेशंस में 1 एम्पियर आ जाता है। इतना या तो 1 कूलम्ब चार्ज फ्लो करे या इलेक्ट्रॉन के टर्म में इतना इलेक्ट्रॉन फ्लो करे 1 सेकेंड में, तो 1 एम्पियर करंट कंस्टिट्यूट होता है। पहला डेफिनेशन खत्म। सेकेंड होता है 1 वोल्ट। सेकेंड डेफिनेशन हम लोग को लिखना है डिफाइन 1 वोल्ट। 1 वोल्ट को भी लिखना आसान है, डिफाइन 1 वोल्ट। इसका आंसर क्या होगा, 1 वोल्ट। अब इसको इस 1 वोल्ट इज डिफाइंड एज द अमाउंट ऑफ वर्क डन, अमाउंट ऑफ वर्क डन, और लिख सकते हैं इसको दूसरा तरीका से, इफ सेकेंड टाइप से लिख देते हैं और छोटा हो जाएगा, इफ वन जूल ऑफ वर्क इज रिक्वायर्ड टू ब्रिंग अ चार्ज, ब्रिंग 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, ये लिख सकते हैं 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज फ्रॉम इन्फिनिटी टू अ पॉइंट इन स्पेस अगेंस्ट द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन और अट्रैक्शन। ज्यादा तो ये रिपल्सन ही होता है क्योंकि हमेशा हम लोग टेस्ट पॉजिटिव चार्ज लेते हैं, अट्रैक्शन लिखने का जरूरत नहीं है। ऑफ अट्रैक्शन लिखने भी लिखेंगे तो चलेगा, ऑफ रिपल्सन इज कॉल्ड 1 वोल्ट, दैट इज वोल्ट इज इक्वल टू होता है वर्क डन अपॉन चार्ज।
अगर ये वोल्ट हमको 1 चाहिए होगा तो इसका वैल्यू भी 1 ले लेते हैं यूनिट, इसका भी वैल्यू ले लेते हैं 1 कूलम, इसी का वैल्यू होता है 1 कूलम ऑफ चार्ज। यानी कि अगर एक कूलम चार्ज को एक इन्फिनिटी से किसी पॉइंट तक लाने में वो एक जूल कवर करना पड़े हमको, इसको 1 जूल लिख देते हैं, 1 कूलम लिख देते हैं, तो दोनों का जो रेशियो होगा वो 1 वोल्ट कहलाएगा। ये भी पूछता है एग्जाम में। और लास्ट डेफिनेशन है रेजिस्टेंस वाला, 1 ओम। 1 ओम रेजिस्टेंस कब कहेंगे? डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस, डिफाइन 1 ओम रेजिस्टेंस। अगर ये पूछता है, इसका भी आंसर बहुत आसान है, 1 ओम। ओम सुनो से क्या होगा, ओम सुनो से पहले समझ लेते हैं, R इज इक्वल टू V अपॉन I, इसका मतलब ये होना चाहिए 1 ओम, दैट इज 1 वोल्ट बाई 1 एम्पियर। 1 एम्पियर करंट अगर फ्लो करता है एक पोटेंशियल डिफरेंस 1 वोल्ट के अक्रॉस, तो क्या कहा जाएगा, 1 वोल्ट। दैट इज इसका आंसर लिख देंगे, इफ 1 एम्पियर करंट, इफ 1 एम्पियर करंट flows through a conductor across the potential difference of one volt, then resistance through a resistance of the conductor, is said to be 1 ohm। ये डेफिनेशन है। 1 एम्पियर करंट फ्लोज थ्रू, और भी तरीका होता है डिफाइन करने का, बस लैंग्वेज चेंज करेंगे, बाकी जो कंसेप्ट है यही है। ये 3 डेफिनेशन एक नंबर का पूछ दिया, इसमें से कोई भी एक, तो ये डेफिनेशन लिखेंगे, इसमें से आंसर आ जाएगा। इसको बंद करो।